और वो आएंगे। तो फाइनली दोस्तों, इस साल की मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी आदि पुरुष को कल थिएटर में रिलीज कर दिया गया था। हालांकि मूवी ने बहुत क्रिटिसिज्म झेला, मूवी को बहुत बेकार रिव्यू मिले और इवन पर्सनली मैं बोल रहा हूँ मूवी में उतना दम तो नहीं है जिस हिसाब से इसका बजट है, जिस हिसाब से इसकी इतनी बड़ी कास्ट है। लेकिन ये प्रभास है और रामायण का नाम है कि ये मूवी फर्स्ट डे इतनी कमाई कर गई। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे कि मूवी पहले ही दिन कितना कमाया, अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, मूवी को कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, मूवी हिट है या फ्लॉप, सब जानेंगे इस कुछ देर में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी प्रभास के डाई हार्ट फैन हैं और इस फिल्म का इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ओम राउत के डायरेक्शन में लगभग 700 करोड़ के टोटल खर्च में बनने वाली आदिपुरुष को कल यानी 16 जून को सिनेमाघर में रिलीज कर दिया गया है और मूवी को कुछ लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे, साथ ही दूसरी तरफ लोग इसका कड़वा विरोध भी कर रहे थे। तो मूवी फुल क्रिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी में लगातार सर्वाइव कर रही है और ना हारने वाले जुनून के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए सर्वाइव कर रही है, जिसका जीता जागता सबूत एडवांस बुकिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से साफ पता लग रहा है। जी दोस्तों, मूवी को 2D, 3D और IMAX स्क्रीन पर रिलीज करा गया है। बता दूं तो मूवी हिंदी और तेलुगु भाषा में ऑफिशियली शूट करी गई है, जिसमें से कन्नड़ा, तमिल और मलयालम में भी आपको डबिंग करके दिखाई जानी है। यहां दोस्तों, फिल्म को पूरे भारत में लगभग 5 लैंग्वेज में 6500 से 6500 स्क्रीन दी गई हैं, जिसमें से हिंदी बैल्ट को लगभग 4000 स्क्रीन दी गई हैं, जो कि एक ह्यूज नंबर है। दोस्तों, एडवांस बुकिंग में क्या सॉलिड जंप मारी थी मूवी ने, कल तक कमाल कर दिया था अपने लास्ट के 2 दिन में, यानी 14 और 15 जून को स्पेशली। साथ ही स्पेशली तेलुगु से कल के दिन पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया था। तेलुगु से अमेजिंग ग्रोथ करते हुए कोई भी मूवी ऐसे ग्रोथ तो करती नहीं है। दूसरी तरफ भाई साहब, इस मूवी ने पूरे भारत में क्या तो खलबली मचा रखी है, चाहे इसके क्रिटिसिज्म की बात कर लो, चाहे इसके ग्रोथ के बारे में बात कर लो। भाई साहब, किसी ने भी ये उम्मीद नहीं करी थी कि ये मूवी इस हद तक ग्रो करेगी, इस हद तक ट्रेंड करेगी। मतलब RRR, KGF और पठान जैसी फिल्मों को ना सिर्फ टक्कर दे रही है बल्कि उखदेड़ने तक की ताकत रख रही है। जी दोस्तों, एडवांस बुकिंग में इस तरह से ग्रोथ करेगी, मतलब मेरे होश उड़ गए इसके एडवांस कलेक्शन की रिपोर्ट देखकर। भाई साहब, प्रभास ऐसे ही नहीं है पैन इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार और बॉलीवुड में तो कोई इनके टक्कर ले ही नहीं सकता इनके स्टारडम की। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों, ओपनिंग क्या सॉलिड तरीके से नजर आई है मूवी। कल अपने पहले दिन में सुबह से लेकर शाम तक हाउसफुल शो देकर मूवी ने भर भर कर कमाई अपने खाते में रखी थी। हालांकि मूवी को मिक्स रिव्यूज मिले पूरे दिन और सबसे ज्यादा निगेटिव रिव्यू ही मिले मूवी को लेकर और रामायण सब्जेक्ट के साथ खिलवाड़ करके। दोस्तों, ओम राउत की रामायण बिल्कुल मॉडर्न है। बात करें हिंदी में तो टोटल कितनी कमाई करी है तो लगभग 40 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग सिर्फ हिंदी बैल से करी है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है एक ऐसी फिल्म के लिए जो पूरे टाइम क्रिटिसिज्म में रही हो उसके बावजूद। और पठान के बाद हिंदी बैल से सेकंड बिगेस्ट मूवी है जिसने इतना बड़ा नंबर हासिल किया है। दोस्तों, आदिपुरुष को इस उम्मीद से देखा जा रहा था कि पहले दिन ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 करोड़ की कमाई कर लेगी फिल्म और टोटली फ्लॉप जाएगी, वो भी प्रभास के दम पर, मतलब जितनी भी थोड़ी बहुत कमाई करेगी प्रभास के नाम पर। लेकिन वाकई में दोस्तों, पूरी मूवी प्रभास नाम के ब्रांड पर टिकी हुई है। दोस्तों, इस बंदे ने कमाया है नाम वाकई में, तभी लोग भर भर कर जा रहे हैं मूवी देखने। वहीं बात करूं तेलुगु से कितनी कमाई करी है, दोस्तों लगभग 60 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन सिर्फ तेलुगु से किया है। दोस्तों, प्रभास की फैन फॉलोइंग अमेजिंग है साउथ इंडस्ट्री में कसम से। बात करें तमिल, मलयालम और कन्नड़ा भाषा के कलेक्शन की तो तीनों को मिलाकर लगभग 15 करोड़ का आंकड़ा पार किया था अपने पहले दिन यानी कल को। इसी के साथ दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया से टोटल ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 115 से 117 करोड़ के आसपास आंकड़ा जाता दिखाता अपने पहले दिन में, जो कि इस फिल्म के लिए एक ह्यूज विक्ट्री है और हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जबरदस्त स्टैंड करी है मूवी ने। दोस्तों, वहीं बता दूं तो ओवरसीज में क्या जबरदस्त कमाई करी है फिल्म ने। यस, लगभग 34 से 35 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ ओवरसीज से किया है और पूरी दुनिया से अपने पहले दिन में लगभग 150 करोड़ के आंकड़े को टच करने में सफल रही है फिल्म। बात करें आज यानी अपने दूसरे दिन कैसी ग्रोथ है मूवी की तो यस, हिंदी में लगभग एडवांस में 19 से 20 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में रखते हुए मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में हाउसफुल शोज अपने खाते में रखते हुए मूवी जबरदस्त हुंकार भर रही है आज भी। साथ ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम मिलाकर आज भी लगभग 32 से 33 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आ रही है अपने एडवांस कलेक्शन में और अमेजिंग ग्रोथ के साथ आज भी कल की तरह कमाई अपने खाते में रखते नजर आ रही है मूवी। दोस्तों, एंड ऑफ द डे शायद से शायद हिंदी बैल से आंकड़ा 35 से 38 करोड़ के आसपास जाता दिख सकता है। इसी के साथ पहले 2 दिन का हिंदी बैल से कलेक्शन एंड ऑफ द डे शायद से शायद लगभग 72 से 75 करोड़ के आसपास जाता दिख रहा है। और बात करें टोटल इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की पहले 2 दिन में तो दोस्तों, ऑल लैंग्वेज का एंड ऑफ द डे सेकंड डे में लगभग 95 से 100 करोड़ के आसपास जाता दिख रहा है और शुरुआती 2 दिन में टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया से लगभग 215 से 220 करोड़ के आसपास जाता दिखेगा। और वही बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों, आज भी ओवरसीज में अमेजिंग ग्रोथ करते नजर आ रही है मूवी और जबरदस्त ट्रेंड कर रही है। जहां दोस्तों, पहले 2 दिन का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 250 से 270
70 करोड़ के बीच में कलेक्ट कर लेगी मूवी एंड ऑफ द डे अपने सेकंड डे में। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, ये आप लोग बताएंगे कि मूवी आप लोगों को कैसी लगी अगर देख ली है तो। दूसरा ये कि क्या फिल्म अभी भी इतना क्रिटिसिज्म झेलने के बाद भी 500 करोड़ कमा लेगी। तीसरा आपकी नजर में मूवी हिट है या बिग फ्लॉप, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।